आयोजक है मटकू मंगलम टावर बोलघर गोरखपुर। राप्ती नदी पर बनाए गए दोनों छठ घाटों का जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने एनजीआरएफ बोर्ड से किया निरीक्षण। एसएसपी ने कहा सभी घाटों पर पुलिस कर्मियों की लगाई गई है ड्यूटी, सीसीटीवी कैमरे से लोगों की जा रही है निगरानी। जनपद में राप्ती नदी सहित सभी घाटों पर महिलाओं ने किया छठ पूजा, डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया से परिवार के सुख समृद्धि की कामना। राप्ती नदी पर बनाए गए दोनों छठ घाटों का नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने किया निरीक्षण। कहा महानगर में बनाए गए 211 छठ घाट, सभी घाटों पर पीने के पानी, शौचालय की गई है व्यवस्था। देश के सभी नागरिकों को भाजपा के राज्यसभा सांसद शिव प्रताप शुक्ला ने छठ पूजा की दी शुभकामना। छठ मैया से सभी के मंगल जीवन की कामना। और राप्ती नदी में नौकायन की तर्ज पर नगर निगम के द्वारा शुरू करवाया गया बोटिंग। नगर आयुक्त ने कहा लोग अब नौकायन की तरह राप्ती नदी में कर सकेंगे बोटिंग, संचालन की दे दी गई है मंजूरी।